पूरे वो कितने 78,000 लोग जो मेरे को वोट डाले, मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ। और हम उन सभी लोगों का मैं कभी भी आभारी रहता हूँ बोल के मैं पहले कहना चाहता हूँ। और जो लोग डिसीजन लिए है उसके लिए वो हम उन डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं, और जो एमएलए जीते हैं उनको भी कंग्रेचुलेट करते हैं। सर, ये हार की वजह किसको कहते हैं? नहीं देखिए, हार की वजह बहुत सारे रहते हैं, अभी बहुत जल्दी है तो हम सब लोग डिस्कस करके क्या हुआ बोल के उसको एनालिसिस करके सोच समझ के मीटिंग वगैरह करने के बाद बोलेंगे। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय ASM सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुलबर्गा। सर, राउंड 1 से लेकर राउंड 9 तक जो है बीजेपी जो है आगे चल रही थी, फिर राउंड 9 में जो है आपके और बीजेपी के बीच में जो है सिर्फ 194 इसका वोटिंग का जो डिफरेंस था, तो वहां से जो है वो पलट के नहीं देखे, इसका क्या कारण हो सकता है? वहां से बीजेपी पलट कर नहीं देखी, वो आगे लीड बढ़ाते ही गई। नहीं देखिए, अब बीजेपी को सब तरफ ज़्यादा वोट गिरा है इसीलिए इतना लीड आया और वो जीते हैं, तो इस वही बोल रहा हूँ ना मैं, इसीलिए हम कैसा उसका पूरा बूथ टू बूथ किधर कौन से गांव में क्या क्या हुआ है उसका एनालिसिस करने के बाद ही मालूम हो जाएगा। सरकार बंदी अदे ईग सरकार नम सरकार बंदे अदे ना सेरकी अब फस्ट सेकेंडू वो मेसेज को ना इतनी बसव कल्याण ಮುಂದೇನು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಇದು 78,000 ಜನ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕೋರಿದ್ದರು ಅವರು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 78,000 ವೋಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ MLA ಆಗೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಡಿಫಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ, 100% 5 ವರ್ಷ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। सर, जो स्कीम जो कांग्रेस पार्टी ने जो स्कीम दिए थे वो स्कीम क्या यहाँ पर लागू 100% एक मिनट है 100% लागू होंगे। देखिए, जो प्रॉमिस हम करें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोले कि जो भी स्कीम है 24 घंटे के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म होते ही 24 घंटे के अंदर वो स्कीम जारी होंगे बोलकर, सिद्धरामैया साहब भी बोले, DK शिवकुमार साहब भी बोले, MB पाटिल साहब भी बोले, हरिप्रसाद साहब भी बोले, सभी लीडर्स ये वादा किए, उससे बड़े सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी भी ये बात बोले हैं 100% लागू होते, बाकी स्टेट में भी कहीं पर भी हम जो प्रॉमिस करें उसको लागू करें। मदीना पब्लिक स्कूल एडमिशन्स आर ओपन। विजन आई केयर हॉस्पिटल अपोजिट संतोष गैस एजेंसी बसव कल्याण।